क्या हुआ तेरा वादा, ये बहुत ही प्यारा सा रेट्रो सॉन्ग है, इसको सीखेंगे पियानो पे विद नोट्स एंड कॉर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम जो सॉन्ग कर रहे हैं वो है क्या हुआ तेरा वादा। इसका जो ओरिजिनल स्केल है दैट इज एफ मेजर। ठीक है, एफ मेजर स्केल के नोट्स होंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट लाइन से। सो फर्स्ट लाइन, हियर वी गो। देख, अब यहां पे हमने कौन से कॉर्ड यूज किए? कॉर्ड्स हमने यूज किए ए शार्प मेजर और एफ मेजर। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन। अब आप ए शार्प मेजर आगे भी कर सकते हो, आगे के ऑक्टेव में, और पीछे के ऑक्टेव में भी कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो। ठीक है, सो हियर वी गो। क्या हुआ ए सी सी ए शार्प, क्या हुआ तेरा वादा में एफ, तेरा वादा, वादा वर्ड पे एफ कॉर्ड, तेरा ए जी ए सी ए जी, फिर ए जब आएगा फिर हम कॉर्ड को प्ले कर देंगे, तेरा वादा। नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, वो कसम। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए शार्प मेजर अगेन एंड एफ मेजर, दो ही कॉर्ड हम जो हमने पिछले वाले लाइन में यूज किए वही दो कॉर्ड्स हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे नोट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कसम ये जो वाला पार्ट है वो उसको हमने थोड़ा सा ऐड अप किया है। ठीक है, सो हियर वी गो, वो कसम ए सी डी सी ए शार्प सी ए शार्प, फिर उसके बाद सेम है वो ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, बोलेगा ई ई ई एफ सी, बोलेगा दो, उसके कंटिन्यू करेंगे जिस दिन तुम है, जिस दिन एफ एफ, जिस दिन तुम है एफ ए जी एफ। ठीक है, सो फिर से देखते हैं, भूलेगा दिन जिस दिन तुम है। अब नाउ नेक्स्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मूव करने से पहले अगर आपको इस सॉन्ग की पीडीएफ फाइल चाहिए, इसके नोटेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए जहाँ पे मैंने नोट्स एंड कॉर्ड्स दोनों मेंशन किए, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप लिंक पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब नोटेशन की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, सो इसलिए वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि हमें पता चले कि आपको सीखने में मजा आ रहा है और आपको इस वीडियो से मदद हो रही है। ठीक है, और ज्यादा अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये देख लिया, नाउ नेक्स्ट लाइन, अब ये लाइन आपको सुनने में बड़ी लग रही होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो दिन जिंदगी का आखिरी, दो नोट पे हमने सिर्फ और सिर्फ दो नोट पे हमने किया। ठीक है, वो दिन जिंदगी का आखिरी, फिर से देखते हैं, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देखिए कुछ नोट्स हमने सिर्फ चेंज किया, सिर्फ बाकी ऑलमोस्ट पूरी लाइन में सिर्फ दो नोट रिपीट किए हमने इस तरीके से, और कुछ आखिर के नोट्स हमने ऐड किए। देखिए, वो दिन जिंदगी का जी ए आखिरी जी ए, फिर दिन होगा जी ए शार्प ए ए दिन होगा, इसके बाद फिर से अब इसके बाद जो बच्चों वाला पार्ट है वहां पे भी सेम लाइन रिपीट हो रही है, भूलेगा दिल जिस दिन तुम है,
वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। या मैं भी सेम चीज रिपीट करनी है। इस तरीके से आपको ये मुखड़े का पार्ट कंप्लीट करना है। अब मुखड़े का पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये बहुत आसान है। अब हम मूव करेंगे हमारे अंतरे के पार्ट पे। सो अंतरे की फर्स्ट लाइन, हियर वी गो। सो देखते हैं। ठीक है, याद है मुझको, ए शार्प मेजर कॉर्ड। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है यार सॉन्ग सुनने में। याद है मुझको, तूने कहा था। सेम लाइन, यार F E D D F F E D D, सिर्फ एक F को ऐड कर दिया। तूने कहा था। नाउ नेक्स्ट लाइन, तुझसे नहीं रुकेंगे कभी। ये दो बार सी नहीं करना है, तो एक बार भी कर सकते हो ताकि थोड़ा डिसेंट और लगे। ठीक है, तुझसे नहीं नहीं, सी सी डी, तुझसे नहीं रूठेंगे कभी। देखिए, इतने में हमने खेला है, सी डी ई, ये नोट में हमने खेला है। तो जब आप इसको आप प्ले करोगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे मुझे नोट्स को प्ले करना है। मतलब आपको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप अपने हाथों को पियानो के ऊपर लगाओगे ये लाइन को प्ले करने के लिए, तब बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तुझसे नहीं रूठेंगे कभी। Now next line पे सेम होगी। देखिए, दिल की तरह से हाथ मिले हैं। सेम लाइन, यहाँ पे क्या किया, पहले दो बार एफ किया, उसके बाद एक बार एफ किया। सिंपल, देखिए कुछ कुछ माइनर चेंज कर, माइनर चेंजेस करके आप पूरे सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। देखिए, Now next line, कैसे भला छूटेंगे कभी। देखिए, अब यहाँ पे मैं जो अंतरे की इतने लाइंस देखी, उसको मैं पूरा साथ में प्ले करके बता दूं, ताकि आप इसको गौर करके देख सके। देखिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है सॉन्ग सुनने में, राइट? आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नोट्स को एंड कुछ कॉर्ड्स को बस याद रखने की जरूरत है। ज्यादा कॉर्ड्स नहीं है, 3-4 कॉर्ड्स है, वो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो, मेरे साथ भी होता है, मैं भी जब प्ले करता था जब मैं छोटा था, राइट, मतलब अभी भी छोटा हूँ थोड़ा सा आप लोग से, तो लेकिन जब मैं और छोटा था तब क्या होता था, मैं एक हाथ से प्ले करता था, और मुझे तब एक सवाल हमेशा आता था कि यार मैं खुद कब अपने आप से सॉन्ग को फाइंड कर पाऊंगा। लाइक मतलब सॉन्ग देख के तो मैंने सीख लिया, मुझे एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती थी कि मुझे खुद सॉन्ग प्ले करना। आज और आज वो स्टेज आ गया है जहाँ पे मैं खुद कोई भी सॉन्ग को ऑन द स्पॉट फाइंड कर सकता हूँ। मुझे सॉन्ग दे दो, मैं तुरंत चुटकी, मतलब मैंने हाथ रखा पियानो पे और वो सॉन्ग बज गया। ये स्टेज आ गया, और ये कैसे है, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया कुछ मेथड्स को एंड कुछ टेक्निक्स को जानने के बाद, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको भी ये सारी चीज़ सिखाना चाहता हूँ, मैं आपकी भी मदद करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे एक एक वीडियोस पे ना भटके, एक एक वीडियो से सॉन्ग को ना सीखे, सॉन्ग को याद ना रखे, बल्कि खुद अपने आप से कानों से सुनकर सॉन्ग को बजाए। उसके कॉर्ड्स आप सिर्फ सुनकर निकाले, उसके स्केल सिर्फ सुनकर निकाले, मतलब आप इंडिपेंडेंट बने। और ये मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू माय प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स। अगर आप भी ये सीखना चाहते हो और आप भी ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, जो कि हर एक पियानिस्ट की निशानी है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि आपको ये सिखाएगा विद इन जस्ट 30 डेज। ठीक है, और इसमें जो मेथड्स एंड टेक्निक्स मैंने यूज की है, उससे 30 डेज में तो आप आसानी से ये चीजें सीख लोगे। फिर और कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 30 सेकेंड्स में सॉन्ग को फाइंड करना सीख गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे मिस ना करें, और आप चिंता मत कीजिए, आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ हम लेके आए 7 डेज रिफंड पॉलिसी। मतलब कि अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, देन यू कैन टेल अस, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे विद इन, मतलब अगर 7 डेज के अंदर आप हमें मैसेज करते हो। तो दिस इज 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड अपने लाइफ को चेंज कीजिए बाय लर्निंग दिस स्किल, जो कि हर एक पियानिस्ट को सीखनी चाहिए। ठीक है, सो ये चलिए कुछ बात हो गई जो कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैंने आपको बता दिया, आपके ऊपर डिसीजन है। तो हम सॉन्ग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट लाइन, हमने कुछ कुछ लाइन्स बची है, उसको देख लेते हैं। ठीक है,
ये लास्ट लाइन है, इसके बाद कैसे लास्ट लाइन, मतलब आपको लगा कि ये तो एक ही अंतरा, वैसे तो बहुत सारे अंतर है, तो कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इतना जो पार्ट बचा है उसको सीख लेते, ठीक है? सो हियर वी गो। इतना फिर से देखते Now last line. ठीक है, बेवफा ए शार्प बेवफा वर्ड के लिए बेवफा ये भी क्या ए जी ए बेवफा ये भी क्या याद नहीं एफ ए डी ई एफ सिंपल फिर इसके बाद फिर से रिपीट करना है क्या इस तरीके से मैं ज्यादा हाई गा नहीं पाऊंगा इसलिए मैं लोअर ऑक्टेव में आ गया तो इस तरीके से आपको प्ले करना है अब इसके बाद जो नेक्स्ट अंतरा होगा नेक्स्ट अंतरा भी आपको सेम रिपीट करना है देखिए इस तरीके से आपको रिपीट करना है पूरा अंतरा तो ये पूरा सॉन्ग मैंने सिखा दिया इसकी पीडीएफ फाइल के लिंक मैंने दे दी है और आपको मैं इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसकी भी मैंने लिंक दे दी है तो आपके लिए चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब मैं आपको पूरा सॉन्ग प्ले करके बताता हूं ठीक है सो हियर वी गो लीजिए इन अंतरे को स्टार्ट कीजिए ठीक है पूरा मैंने बता दिया वीडियो पसंद आया सबको पता है क्या करना है वीडियो को लाइक करना है तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लविंग